सो हेलो गाइस, तो यार आपको पता होगा कि जो है इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर ये वाला वीडियोस जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। सो गाइस बता दूं कि ये जो वीडियोस है काफ़ी बड़े बड़े जो है क्रिएटर और जो स्टार है वो बना रहे हैं वीडियोस, जैसे मैं आप लोग देख पा रहे हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये जो वीडियोस है भी वायरल कर रहा है, ठीक है, ट्रेंड कर रहा है भी इंस्टाग्राम के ऊपर। सो गाइस बता दूं कि इस वीडियो को एडिट करना, शूट करना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं आपको आज बता दूंगा कि किस तरीके से वीडियो एडिट करना है, शूट करना है, साउंड को मैच कराना है, ठीक है, सारा कुछ जो है आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहो, लास्ट में आपको जो वीडियोस बना के प्ले करके दिखाने वाला हूँ, तो टेंशन नहीं लेना। आप लोग करना क्या है कि जो लोग नए हो यार, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। और मैं बता दूँ कि अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे वायरल एडिटिंग वीडियोस आते रहते हैं, और वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और भाई इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना यार, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं जो वीडियोस ला रहा हूँ तो मेरा चैनल जो है थोड़ा सा डाउन हो चुका है, तो आप लोग सपोर्ट करो, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, ठीक है। और मेरा जो तबीयत भी अच्छे से मतलब ठीक नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर कोई नहीं, तो आपको सारा कुछ सिखाता हूँ कि किस तरीके से वीडियोस बनाना है और किस तरीके से क्या करना है, ठीक है, सारा कुछ जो है आप लोगों को मैं सिखा दूंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, तो इस वीडियो को एडिट और शूट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन के अंदर काइन मास्टर ओपन कर लेना, ठीक है। काइन मास्टर तो सबके पास होता ही है, जिनके पास नहीं होगा मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। तो इस तरीके से काइन मास्टर सिंपल अपने फ़ोन के अंदर ओपन करो, प्लस के ऊपर क्लिक करो और 9.16 का रेशियो ले लो, ठीक है। उसके बाद सिंपल से आपको क्लिक मारना है मीडिया के ऊपर, और यहाँ से जिस वीडियो को आपने शूट किया है उस वीडियो को ले लेंगे। फिलहाल मेरा जो वीडियो है मैं उसको ले लेता हूँ, ये रहा मेरा वीडियो, मैंने ले लिया, और उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे। तो अभी जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले साउंड के ऊपर जाएंगे और इसका जो साउंड है वो बिल्कुल बंद करके यहाँ से डन कर देंगे, और स्टार्टिंग पे जाएंगे और इसको सबसे पहले प्ले कर दूँ कि किस तरीके से मैंने इस वीडियो को बनाया है, शूट किया है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने शूट किया है, देख लो, बैकग्राउंड में किसी भी बाइक को रख सकते हो, कार को रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे साइकिल ले लिया एग्जांपल के लिए। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो सबसे पहले मैं उसको निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा वीडियोस, यहाँ पे मैं कैंची पे क्लिक करके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो वीडियोस जो कुछ इस तरीके से मैंने शूट किया है, ठीक है, प्ले कर देता हूँ। ये देखो वीडियोस कुछ इस तरीके से, आप लोग जंप करके शूट कर लेना, और जो भी एक आपको मतलब लास्ट में करना है कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लास्ट में जो है साइकिल लेके यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है, कुछ इसी तरीके से वीडियो शूट किया था, तो आप लोग भी शूट कर सकते हो। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मैं इधर से इतना जो है इसका भी पार्ट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपको एकदम बिल्कुल स्टार्ट पर चले आना है और सिंपल सा ऐसे ही रहने देना है, और आपको जो कैमरा का बटन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके कैप्चर एंड सेव करके एक फ़ोटो को सेव कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपल सा लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है, और आपने कैप्चर एंड सेव वाला जो फ़ोटो भी किया था उसको ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हम इस दूसरे वाले नंबर को सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद इस वीडियो को करेंगे प्ले, तो ये जो वीडियो से देख लो किस तरीके से है, ठीक है। जैसे ही हम जंप करेंगे वहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर मैंने जैसे ही जंप किया ना उस पोजिशन पर चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही जंप किया इतना पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे नीचे वाले लेयर पे, कैंची के ऊपर क्लिक करके यहाँ से दूसरे नंबर से डिलीट कर देंगे। अभी जो वीडियोस हमारा रेडी है, दिखाता हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पे दिखने वाला है वीडियोस। तो ये देख लो कुछ इस तरीके से वीडियोस मेरा बन के रेडी हो गया, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना, और इसको और भी थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। तो अभी जो वीडियोस कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो ये वीडियोस जो हो चुका है कंप्लीट। अब इसके अंदर हम डालेंगे साउंड, तो सिंपल सा स्टार्टिंग पे जाएंगे, तो सिंपल सा गैलरी में चले आएंगे, और हमारा जो वीडियोस है, ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके रखा है, तो उसको हम ले लेंगे। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पे क्लिक करता हूँ इस वाले फोल्डर पे, उसके बाद नीचे चलेंगे, ठीक है, नीचे आता हूँ और यार हमारा वीडियोस, तो मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ से मैं अपने वीडियो को सिंपल सा ऐड करूँगा, और सबसे नीचे आपको चले जाना है। बिल्कुल नीचे जाओगे तो आपको एक बटन दिखता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो इस वीडियो का ऑडियो निकल जाएगा, वीडियो को डिलीट कर देना। तो अभी जो ये वीडियो से मेरा ऑडियो के साथ हो चुका है पूरा, तो देख लो। सो गाइस यहाँ पे जो है सारा कुछ रेडी हो चुका है, और जो भी एक्स्ट्रा साउंड है इसको मैं यहाँ से करूँगा डिलीट, कैंची पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे। तो अभी जो वीडियो से पूरा कम्प्लीट हो चुका है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं जो है इसका साउंड जो है भी कम करके आपको, चलिए एक बार आपको प्ले करके दिखाई देता हूँ डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके से वीडियोस आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो मैं साउंड को डाउन करता हूँ,
तो फाइनली वीडियोस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपल सा शेयर पे क्लिक करके और 1080:30 करके इसको गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।